जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मु लिपुन आपण मानको लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुची। आज हो 8 सेप्टेम्बर गुरुवार। आज सकाल कौन टॉप न्यूजेस रही चलतु देखि नवा। ता पूर्व समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु, कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफर्मेसन रहा आपण मैंने सर्वप्रथमें देखिपारे। तो चलतु आज कार टॉप न्यूजेस कौन रही देखि नवा। लेट स्टार्ट। प्रथम अपडेट रोचे एथर दीपावली रे फुटबनी बाण। राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति। राज्य में जारी रही परिवेश प्रदूषण को नजरे रखी चलित बर्ष दीपावली रे बाण फुटाइबा उपरे रोक लगाई सरकार। चलित बर्ष राजधानी दिल्ली रे बाण फुटिबा उपरे लागिथिबा निषेधादेश नहीं राज्य परिवेश मंत्री गोपाल राय कहिसंती। मंत्री कहिसंती जे जाके निषेध जनवरी मास 1 तारीख 2023 पर्यंत जारी रहिबो। मंत्री गोपाल राय एक ट्वीट करी कहिसंती जे समस्त प्रकार बाण उत्पादन स्टोर विक्रय एवं व्यवहार को संपूर्ण निषेध करा जाउछि, जहाद्वारा लोकंकर जीवन रक्षा हो पारिबो। सेहिपरि ऑनलाइन बिक्री उपरे मध्य निषेधादेश रहिबो एवं एही निषेधादेश को कड़ाकड़ी लागू करिबा पई दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमिटी एवं राजस्व विभाग सहित आलोचना परे एक आक्शन प्लान करा जिबो बोली से सूचना देइछंती। परवर्ती अपडेट रहुछि खूब शीघ्र कमी जिबो गैस सिलिंडर दाम। सरकार नेले बड़ पदक्षेप। जदि आपण माने प्रति मासरे गैस सिलिंडर नेउछंती ओ गैस रो बढ़ुतबा दाम को नहीं चिंतित, तेबे आपण को ए खबर आराम देबो। ओएनजीसी ओ रिलायंस भली बड़ तैल उत्पादनकारी कंपनी पक्षरु उत्पादित गैस रो दाम स्थिर करिबार फर्मुला रो समीक्षा पाई सरकार एक कमिटी गठन करिसंती बोली सूचना रहिछि। परवर्ती अपडेट रहुछि एसबीआई रे 5000 अधिक क्लर्क पदवी पई नियुक्ति आसीछि। तो समस्ते जल्दी जल्दी आवेदन करनियंतु। देशर सर्वबृहत बैंक बा एसबीआई जाकि क्लारिकल क्याडर रे जूनियर आसोसिएटेड नियुक्ति पई विज्ञप्ति प्रकाश पाई मोट 5008 पदवी पई नियुक्ति बाहरी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सेप्टेम्बर मास 7 तारीख रु आरंभ होई। आग्रही प्रार्थी माने 27 सेप्टेम्बर सुधा एसबीआई रो ऑफिशियल वेबसाइट को जाई आवेदन करिबा पई परामर्श दिया जाई। तो जो माने ग्रेजुएशन करिसंती सेई माने आवेदन करि परिबे। ता आपनकर वयस सीमा 20 रु 28 वर्ष भितर होइतेबा आवश्यक। तो 7 तारीख रु आवेदन आरंभ हो जाई। लास्ट डेट रहिछि 27 तारीख बोली सूचना रहिछि। तो साधारण वर्ग आउ जो ओबीसी रहिले सेमानकु 750 टंका आवेदन फी दबा पई पड़िबो। एससी एसटी दिव्यांग पई कोनोसी फी नाही, सेमाने मागणारे अप्लाई करि परिबे। परवर्ती अपडेट रहुछि दशम श्रेणी भूगोल ओ अर्थनीति बहिरे त्रुटि प्रसंग। त्रुटि सुधारी पिलांकु पढ़ेबा पई निर्देश दिया जाइछि। भूलले माछ कुंड को आंत्रर बुली सेठारे दर्शा जाइथिला। परवर्ती अपडेट रहुछि कटक स्थित श्री श्री विश्वविद्यालय रे हेबो एक चाकरी मेला। योग्यता रहिछि द्वादश पास। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर द्वारा प्रतिष्ठित श्री श्री विश्वविद्यालय कटक रे एक महा चाकरी मेला आयोजन रो प्रस्ताव रहिछि। कटक स्थित एही विश्वविद्यालय रो चाकरी मेला रे 20 रु अधिक कंपनी जोग देबार योजना रहिछि। द्वादश पास करिथिबा छात्र छात्री को मागणा पंजीकरण मध्य करा जाउछि, जाके मेला रे हजारे रु ऊर्ध छात्र छात्री जोग देबार व्यवस्था रहिछि। एही मेला रे द्वादश पास डिप्लोमा स्नातक स्नातकोत्तर समस्त छात्र छात्री भाग नहीं पारिबे। कटक भुवनेश्वर ओ आखपाख अंचलरु बहुत छात्र छात्री जोग देबार व्यवस्था रहिछि। विभिन्न शिक्षानुष्ठान ओ छात्र छात्री विश्वविद्यालय कर्तृपक्षंकु जोगाजोग करि एथिरे भाग मध्य नै पारिबे। विश्वविद्यालय मुखपात्रंक कहिबा अनुसारे प्रतिभा प्रदर्शन एवं आंचलिक उद्योगी क्षेत्र रे संभाव्य अभिवृद्धि प्रदर्शन पई विश्वविद्यालय एही चाकरी मेलार मुख्य उद्देश्य। परिदर्शक मानंक पई विश्वविद्यालय किछि सूचनापूर्ण कार्यक्रम मध्य योजना करुछि, जाके चाकरी मेला सकाळ 9टा रु अपराह्न 5टा पर्यंत जाके हबो बोली सूचना रहुछि। आसंता 10 तारिख रे एहा अनुष्ठित हबो। तो जो माने भाग नवा पई जाउछंती जो चाहूछंती सेमाने चाहिकी भाग नै पारिबे कटक स्थित श्री श्री विश्वविद्यालय रे। परवर्ती अपडेट रहुछि जदि आपण माने लाइफ इन्सुरांस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रो अर्थात एलआईसी रे पॉलिसी करिसंती, तेबे खबर आपणों पई बहुत उपयोगी होई पारे।
जदि आपण आपणकर मोबाइल फोन ले एलआईसी पॉलिसी सहित जड़ित समस्त अपडेट चाहूंती तेबे एथिपाई आपण को किछि सहज पदक्षेप अनुसरण करिबा पई पड़िबो। या परे आपण माने मोबाइल ले समस्त अपडेट पाइबा आरंभ करिवे। एठार आमे सेगुडी को विषय रे सूचना देउछु त आपण माने जानि नियंतु। तो देखंतु मोबाइल ले एलआईसी पॉलिसी अपडेट पाइबा पई सर्वप्रथमे एलआईसी रो ऑफिशियल वेबसाइट www.licindia.in को जानतु। एठारे आपण माने निजे मूल पृष्ठा बा होम पेज रे ग्राहक सेवा रो विकल्प देखिबे। ग्राहक सेवा विकल्प उपरे क्लिक करंतु। या परे आपण माने विभिन्न ऑप्शन देखिबे। एथिरे अपडेट योर कांटेक्ट डिटेल्स विकल्प उपरे क्लिक करंतु। या परे मोबाइल नंबर एवं अन्यान्य जोगाजोग संपर्क संबंधीय सूचना परी किछि विवरणी पई पचरा जीव। या परे डिक्लेरेशन उपरे यस ऑप्शन रे क्लिक करंतु। या परे या को सबमिट करंतु जाकि तापरे एलआईसी पॉलिसी नंबर पूरण करंतु। या परे वैलिडेट पॉलिसी डिटेल्स उपरे क्लिक करंतु एवं या को पूरण करंतु। तो जाकि एमिदि करबा परे जहाँ भी किसी एलआईसी संबंधी अपडेट आसीब आपण को मोबाइल नंबर आपण माने मेसेज पाइपारे। परवर्ती अपडेट रोचे चारिटी जिल्लार मिशन शक्ति माँ मानू भेटिले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जहाँकि यही काम पर जनइले धन्यवाद। गतकाली संध्या रे नवीन निवास ठारे जाजपुर पुरी जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा जिल्लार मिशन शक्ति गोष्ठीर माँ मैने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भेटी एही अवसर रे गत अगस्त 15 तारीख 75तम स्वाधीनता दिवस पालन अवसर रे मां माने जातीय पताका तयारी दायित्व नै दक्षतार सहित तुलाई थिबारु मुख्यमंत्री समस्तिंकु धन्यवाद जणाइथिले बोली सूचना रहिछि। तो सूचना योग्य जे चलित वर्ष स्वाधीनतार 75तम पूर्ति अवसर रे राज्य सरकार मिशन शक्ति माँ मानू 30 लक्ष जातीय पताका प्रस्तुति और बंटन दायित्व देते। परवर्ती अपडेट रोचे ट्रेन विलंब हेले मागणा मिलिबो जलखिया और भोजन। ट्रेन विलंबित हेले आपण माने अनेक सुविधा सुजोगर लाभ नहीं पारे। IRCTC कैंट्रीन पॉलिसी अनुसार ट्रेन जदि 2 घंटार अधिक विलंबरे चालू थाए तेबे यात्री को निःशुल्क भाव में मिल दि जाए माने आपण मानू जो मिल खाइबे मागणारे मिलजिव बोली सूचना रहू। परवर्ती अपडेट रोचे बन्यारे भांगी 14,235 घर। प्रबल वर्षा पर राज्य में बन्यार विभीषिका सृष्टि होता। एथिरे राज्य में अनेक धनजीवन नष्ट होता। गतकाली राज्य होता बन्यार क्षयति रिपोर्ट आसी तो बन्यारे 14,235 घर भांगी 1,26,162 हेक्टर चाष जमी नष्ट हो सेथिरे शतकड़ा 33% अधिक फसल हानि होईची। 5,036 हेक्टर चाष जमी बालीचर 1,125 डंगा और जाल क्षतिग्रस्त होईची। जिलापालंक क्षयक्षतिर आकलन को भित्तिक सहायता पाई मुख्यमंत्री निर्देश रे 128 कोटी 58 लक्ष टंकार मंजूरी करा जाईची। तो जहाँफल जो मान सब क्षति होती जहाँ भी जार घर भांगु चाष जहाँ भी क्षति होती से बहुत शीघ्र क्षतिपूरण मिल सूचना रही। परवर्ती अपडेट रोचे 2024 स्वतंत्र रणनीति करुच्ची बीजेडी। एथर केन्द्र अवहेला नुहे नवीन ब्रांड को नहीं लोकों पाखक जीव दल बोली सूचना रोचे। लोकों पाखे नवीन को बार्ता पहुँचाइबे जोन स्तरीय नेता। नवीन करिथिबा विभिन्न विकासमूलक योजना संपर्क में बुझाइबे। विजु स्वास्थ्य कल्याण कालिया मिशन शक्ति बीजेडी रो बड़ अस्त्र। अक्टोबर मास 2 गांधी जयंती पर्यंत राज्यव्यापी पदयात्रा करिबो बीजेडी। बीजेडी रो प्रतिष्ठा दिवस 25 वर्ष पूर्ति को जोरदार पालन करने को योजना रखा जाइथिबा सूचना रही। परवर्ती अपडेट रोचे पीएम श्री योजन देशर प्रति ब्लॉक रे 2 स्कूल हेब रूपांतरण। केन्द्र कैबिनेट रो मंजूरी। केन्द्र शिक्षा मंत्रालय पक्षर बुधवार प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना आधार रे एक नुआ प्रकल्प को मंजूरी दिया जाइछि। गतकाली अनुष्ठित कैबिनेट बैठक रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति क्रमे देशर प्राय 14,500 स्कूल को ए योजना माध्यम रे रूपांतरित करबा पई निष्पत्ति निया जाइछि। या सहित किसी नुआ स्कूल निर्माण करा केन्द्र कैबिनेट निष्पत्ति केवल से नुहे निर्माण होगा स्कूल गुड़िक
नवोदय विद्यालय एवं केंद्रीय विद्यालय सहित सामिल बोली सूचना रुचि। प्रधानमंत्री मोदी कहते स्कूल गुड़िकर रूपरेख बदल सहित भित्तिभूमि विकास एवं गुणात्मक शिक्षा प्रदान में बेस सहायक हम पीएम श्री योजना बोली सूचना रही। तो जहाँफल पीएम श्री योजन देशर प्रति ब्लक दुईट स्कूल एवं रूपातरण केन्द्र कैबिनेट मंजूरी होता सूचना। परवर्त अबडेट रोचे कंग्रेस सबुठ लंबा मार्च भारत जोड़ो यात्रा आरंभ। गतकाली अपराह्नरे तमिलनाडुर कन्याकुमारी ठारु पताका देखाई यात्रार शुभारंभ करिसंती राहुल गांधी। आज सकाळु आरंभ हेबो पदयात्रा। दरदाम वृद्धि, मुद्रास्फीति, बेकारी समस्या आदि प्रसंगरे कांग्रेसर भारत जोड़ो यात्रा आरंभ होइतिबा सूचना रहिछि। एहाकु नै दलर नेता और कर्मी माने उत्साहित अछंती। आगामी 150 दिन में कांग्रेस समुदाय 3570 किलोमीटर यात्रा करिबो। जम्मू काश्मीर श्रीनगर रे एही यात्रा शेष हेबो बोली सूचना रहिछि। परवर्ती अपडेट रहिछि स्केल्टर जल विनिचोग दक्षता रे वेदांत आलुमिनियम औद्योगिक शिल्प प्रतिष्ठा कला नुआ मानदंड। भारत रे आलुमिनियम स्केल्टर मध्यरे बृहत आलुमिनियम उत्पादक वेदांत आलुमिनियम एहार झारसुगुड़ा स्थित आलुमिनियम स्केल्टर वन पाई आर्थिक वर्ष 22 रे निर्धारित परिमाणर जल विनिजोग को 11% कम करिबार गौरव अर्जन करी। परवर्ती अपडेट रहुछि देश बाहर पढ़ी पारे यूक्रेन फेरंता भारतीय डाक्तरी छात्र छात्री एनएमसी देला मंजूरी बोली सूचना रही। परवर्ती अपडेट रहुछि बन्या छाड़ीबा परे मध्य हेउनाई क्षयक्षति आकलन चिंतारे चाषी। जगत सिंहपुर जिले में वर्षा और बन्यारे धान फसल सहित अन्यान्य फसल व्यापक क्षयक्षति होता बेले जगत सिंहपुर जिले में एवं पानी अभाव चाष जमी सब फाटी आ कला। बन्यारे चाष जमी क्षयक्षति आकलन 7 दिन भितरे करिबापाई सरकार घोषणा करिथिले मध्य बन्या छाड़ीबा प्राय 15 दिन बीती जाइथिले मध्य क्षयक्षतिर आकलन हेबा संभव होइपारिनाइ। फळरे एहाकु नै क्षतिग्रस्त चाषी एबे चिंतारे पड़िथिबा सहित केबे क्षयक्षति आकलन कराचिबो ओ सेमानंकु क्षतिपूरण प्रदान कराचिबो ताकु नै चाषी कोळो आशंका भितरे रहिछन्। परवर्ती अपडेट रहुछि राज्यरे गत मासरे प्रलयंकारी वर्षा ओ बन्यारे 24 जिले में व्यापक क्षयक्षति होता बेले जाकि 14,235 बासगृह नष्ट होइछि। मात्र एपर्यंत क्षतिग्रस्त परिवारंकु सरकारी सहायता मिली पारिना। मिलिथिबा सूचना अनुसार बन्या और प्रबल वर्षा द्वारा होइतिबा क्षयक्षतिर आकलन संप्रक्त जिला और विभाग मानंकु करिबापाई निर्देश दिया जाइथिला। वर्षा एवं बन्यारे 24 जिला क्षतिग्रस्त होइछि। सेही जिलार जिलापालंक ठारु मिलिथिबा क्षयक्षति आकलन तथ्य अनुजाई 14,235 बासगृह 1,236 गाई गुआल क्षतिग्रस्त होइछि। सेहीपरि 1,26,162 हेक्टर चाष जमि 33% ऊर्ध फसल हानि होता बेले 5,036 हेक्टर चाष जमि बालीचर 1,125 डंगा और जाल नष्ट 28,382 हेक्टर माछ पोखरी 483.145 हेक्टर माछ जाला चाष नष्ट। सेहीपरि जलबंदी जोगु प्रभावित लोक मानंकु खाद्य सहायता बाबद को अद्याविध जिलापाल मानंकु 99,92,97,000 टंका मंजूरी करा जाइछि। जिलापाल मानंकर क्षयक्षतिर आकलन को भित्ति करी ओ विपद सहायता पांठिर शर्त एवं नियमावली अनुजाई घर निर्माण सहायता बासनकुसन सहायता कृषिभित्तिक सहायता बालीचर सहायता मृत गुरु गाई सहायता क्षतिग्रस्त डंगा और जाल मत्स्य पोखरी मत्स्य जाल चाष हस्तंत बुणाकार हस्तशिल्प कारीगर रेशम चाषी सहायता बाबद को 128.58 कोटी टंका राज्य सरकार पक्षर जिलागुड़ी को प्रदान करा जाइछि। राज्यर 24 जिला जथा अनुगुल बरगढ़ बौद्ध नयागढ़ संबलपुर सुवर्णपुर कटक जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा खोर्धा पुरी भद्रक बालेश्वर जाजपुर केउझर मयूरभंज बलांगीर झारसुगुड़ा कलाहांडी कंधमाल कोरापुट नवरंगपुर नुआपड़ा सुंदरगढ़ प्रभावित होइछि।
ସେହିପରି ବନ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ତୁରନ୍ତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ 5,277.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ପୂର୍ତ୍ତି ବିଭାଗ 2,019.44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ 4,254.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ 607.72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଶକ୍ତି ବିଭାଗ 503.38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହାୟତା ପାଣ୍ଠିର ସର୍ତ୍ତ ଓ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏସବୁର ତୁରନ୍ତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ 4,353.92 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ପୂର୍ତ୍ତି ବିଭାଗର 1,367.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ 2,414.37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପାଇଁ 82.46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ 497.51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତଥା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟ 87.15 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହାୟତା ପାଣ୍ଠିରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ। ଜଟଣୀସ୍ଥିତ ନାଇଚର ପରିସରରେ ଏକ 200 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଟାଟା କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପ, 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆଜି ଲଘୁଚାପ। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର 5.8 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାକି ଲଘୁଚାପ ଆଣିବ ବଡ଼ ବର୍ଷା। 11 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ହେବ, ଯାହାକି ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ଆଜି 11 ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 9-10 ତାରିଖରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲଙ୍କ କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଯୋଗଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମେତ ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତଥା ସେଲ୍ରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ସେଲ୍ରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ କମ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଟ୍ରେନିର 146 ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେଲ୍ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ sale.co.in ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ସହିତ ITI କରିଥିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 28 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜେନେରାଲ OBC EWS ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ଫି ରହିଛି, ଆଉ SC ST PWD ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ସେଲ୍ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। September 15 ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ବର୍ଷା। ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଗତକାଲି ବର୍ଷା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। କଟକ ପାରିବାରିକ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରିଥିବା ନିଜ ଆବେଦନକୁ ବର୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। କଟକ ପାରିବାରିକ ଅଦାଲତରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ସାନି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ପୁରୀରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଇଁ ହେବ ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିର। ପ୍ରାୟ 2500 ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଚଳିତ ମାସ 10 ତାରିଖରୁ September 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ September 8 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବ। October 10 କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥର ନୂଆ ସ୍ଥାୟୀ ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିର କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତଳ କୋଠା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଭବନରେ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ରହିବେ। ତେବେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ଥଳେ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାରକୁ ମଧ୍ୟ
अस्थायी शिविर कराईपे प्रति जिलार जिलापाल जिलापाल कार्यालय स्थानीय हबिश्याली पंजीकरण करें ता सहित हबिश्याली बुस्टर डोज टीकाकरण बाध्यतामूलक जिलापाल। परवर्ती अपडेट रोचे पूर्वतन तथा वर्तमान विधायक बढ़ी स्वास्थ्य बीमा दस लक्ष टंका को वृद्धि प्रस्ताव को बाचस्पति अनुमोदन करी। पूर्वर पांच लक्ष टंका पर्यंत स्वास्थ्य बीमा सुविधा थिला, मोट 562 जन वर्धित स्वास्थ्य बीमार सुविधा पाइबे सूचना रही। परवर्ती अपडेट रोचे जदि आपण माने एटीएम कार्ड व्यवहार करुचंती तेबे आपण को मागणारे 5 लक्ष टंका मिलिबो, तो जानंतु आपण माने किपरि पाइपरिबे। जदि आपण एक एटीएम कार्ड व्यवहार करंती तेबे बैंक आपण को 5 लक्ष टंका बीमा दे पारे। अनेक लोक ए विषय जानती नहीं बा अवगत नुहंती। यह एक प्रकार बीमा जहाँपाई कार्डधारी परिवार सदस्य को आवेदन करने पड़ जदि आपण माने दाबी करती ना तेबे आपण राशि पाइबे नहीं। जाके खबर आपण को कहा जाइछि जे आवश्यक हेले 5 लक्ष टंका पाई एक दाबी किपरि करिपारिबे, तेबे चलंतु डिटेल्स जानि नबा। तो देखंतु बैंक ग्राहक मानंकु सूचना दियंती नाही, तो एटीएम कार्ड सहित उपलब्ध मागणा सेवा गुडीक मध्यरु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण हेउची बीमा। बैंक ग्राहकंकु एटीएम कार्ड देबा मात्रे ग्राहक जाकि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पाइथाए अवश्य बीमा विषय सूचना अभाव हेतु केवल अल्प लोक बीमा पाई दाबी करिबा पाई सक्षम अटंती। गाँवर लोक मानक कथा छाड़ू अनेक शिक्षित व्यक्ति एटीएम रे नियम विषय जानती ना ब्यांक सूचना ग्राहकों को मौलिक भाव दे न थाए, तो किपर बीमा मिली थाए चलतु जानि नबा। तो देखु आरबीआई रो नियम अनुजाई अति कम्रे 45 दिन पूर्व कौन सी सरकारी किंबा बेसरकारी ब्यांक रो एटीएम कार्ड व्यवहार करुवा कार्डधारी से माने बीमा पाइबापाई हकदार। एटीएम रो बीमा उपरे केते परिमाण उपलब्ध हेबो या एटीएम कार्ड रो वर्ग उपरे निर्भर करे। बैंक विभिन्न वर्ग अनुजाई कार्डधारी मानंकु बीमा प्रदान करिथाए, तो कार्ड रो वर्ग हेउची क्लासिक प्लाटिनम एवं नॉर्मल गोल्ड इत्यादि बहुत प्रकार रहिछि। तो साधारण मास्टर कार्ड रे 50,000 टंका, क्लासिक एटीएम कार्ड रे 1 लक्ष, भिसा कार्ड रे 1.5 लक्ष रु 2 लक्ष एवं प्लाटिनम कार्ड रे 5 लक्ष टंका बीमा मिली थाए। तो मृत्यु उपरे 5 लक्ष टंका पर्यंत बीमा दाबी करि पारिबे। जदि एटीएम कार्ड व्यवहारकारी दुर्घटना रे मृत्युबरण करती तेबे बीमा 1 रु 5 लक्ष टंका पर्यंत उपलब्ध। अन्य पटे जदि गोटे हाथ किंबा गोटे गोड़ नष्ट हो जाए तेबे सही क्षेत्र में 50,000 टंका पर्यंत बीमा राशि उपलब्ध। एथिपाई आपण को बैंक रे आवेदन करिबा पई पड़िबो, ताकि कार्डधारी नामांकन पत्र को बैंक रे आवेदन करिबा पई पड़िबो बुली सूचना रहिछि। परवर्ती अपडेट रहिछि ग्राहक मानंकु लक्ष्यपति करिबा पई जबरदस्त ऑफर आनी देछि रिलायंस जिओ। 6 सेप्टेम्बर रु 11 सेप्टेम्बर मध्य निजर प्लान सहित रिचार्ज करुथुबा ग्राहकों को प्रतिदिन 10 लक्ष टंका पर्यंत पुरस्कार देउछि कंपनी। जिओर 6 वर्ष पूरण हेबाकु सेलिब्रेट करिबा पई कंपनी ऑफर आनी देछि। ऑफर अवधि मध्य 299 टंका बा एथिरु अधिक प्रीपेड प्लान सहित रिचार्ज करिथिबा ग्राहकों को पुरस्कार जितिबा पई योग्य हेबे। जाके ऑफर केवल तमिलनाडु सर्कल रो ग्राहक मानक लागू हेबो नाही। अनुमान करा जाउछि कि तमिलनाडु यूजर को व्यतीत समग्र भारत रे जिओ व्यापारी माने ऑफर रो फायदा उठेबाकू एवं किछि जितिबा पई योग्य हेबे। ऑफर रो टर्म एवं कंडीशन को जिओ द्वारा निजर ट्विटर पोस्ट रे भल भाव वर्णना करा जाय नाही। 5 सेप्टेम्बर 2022 रे जिओ व्यवसाय 6 वर्ष पूरण करिछि। जिओ 5 सेप्टेम्बर 2016 रे 4G नेटवर्क सेवा घोषणा करिथिला, जाके ऑफर लाइव होइ सारिथिबा बेले रिचार्ज करुथबा ग्राहक माने जाके टेल कोरो किछि पुरस्कार जितिबा पई सक्षम होइ पारंती बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती अपडेट रहुछि एयरटेल जिओ को टेंशन देबो 400 टंका रो एही प्लान। तो देखंतु एक्साइटेल निकट रे केतेक सुलभ मूल्य रो ब्रॉडबैंड प्लान रहिछि
ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଓ ଫାଇବର ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଫାଇବର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସଟେଲ୍ର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭାରତର ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କେତେକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟର ହାଇ ସ୍ପିଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଏତବ୍ୟତୀତ ଏକ୍ସାଇଟେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ 400 ଟଙ୍କାରେ 200 MBPS ପ୍ଲାନ୍ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ସେ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗତ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଚିଠି ବିଭିନ୍ନ କଲେଜକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ଥିବା ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି ଲଗାତାର 5 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। RBIର ସୂଚନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି କାମ ଅଛି ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଆଜିଠାରୁ ଲଗାତାର 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏନେଇ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ଛୁଟି ତାଲିକା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7ରୁ ନେଇକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ରହିଛି। ତ ଏହି ଛୁଟି ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୁଟି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଛୁଟି ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। OPSCରେ ବାହାରିଲା 47 ପଦବୀ, ମୋଟ 47 ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 21-38 ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ବୟସ ଦରକାର, ତ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। opsc.gov.in ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିକି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି ଦୁନିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିତ୍ତଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ନିକଟତର ଗୌତମ ଆଦାନୀ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଚଉଡ଼ା ବଢ଼ିବ 40 ଫୁଟ, ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ପୁରୀର ଐତିହ୍ୟ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କରିଡ଼ରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ବାଲିସାହି ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 250 କୋଟିର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 2.8 କିମି ରାସ୍ତା ଏ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଡିଜାଇନ୍ ମୁତାବକ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାଖର 20 ଫୁଟ ଲେଖାଏଁ ରାସ୍ତା ଖାଲି କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ପାଖରେ 8 ଫୁଟ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଥିବା ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ 2 ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯୋଜନା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର 650 କଲେଜରେ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ଏଣିକି ଜୁନିୟର କଲେଜରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଉପସ୍ଥାନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାୟୋମେଟ୍ରିକରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥାନ ଦେବେ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଛାଡ଼ିବେ କିମ୍ବା ଛୁଟି ପରେ ପୁଣି ବାୟୋମେଟ୍ରିକରେ ଉପସ୍ଥାନ ଦେବେ, ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦୈନିକ କଲେଜରେ କେତେ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୋଟି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁର ରିପୋର୍ଟ ରହିବ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବ। ସର୍ବନିମ୍ନ 75%ରୁ କମ୍ ଉପସ୍ଥାନ ରହିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ
परीक्षा लागि अनुमति दिआजिबो नै बोली सूचना रहिछि। ता व्यतीत प्रति मासरे पिलांकर उपस्थान केते रहितिला ता कॉलेज नोटिस बोर्ड रे दर्शाजिबो बोली सूचना रहिछि। प्रति 6 मासर उपस्थान को नै समीक्षा करा जिवो एवं पिला को उपस्थान जदि 75% रु कम रुए तेबे अभिभावक माननकु अवगत करा जिवो बोली सूचना रहिछि। परवर्ती अपडेट रहिछि गतकाली प्रकाश पाइछि डिग्री कॉलेज गुडी करे प्लस 3 नाम लेखा पाई मेधा तालिका तो जहाँ फल आपण मैंने नाम लिखि पारे तो 11 तारिख पर्यंत नाम लेखा चलो रविवार नाम लेखा अनुष्ठित हो सूचना रही। यापर 16 तारिख अपराह 2:00 द्वितीय पर्याय मेरिट लिस्ट प्रकाश पाइब। द्वितीय पर्याय मनोनीत होता छात्र छात्री मैंने 16 तारिख अपराह 2:00 19 तारिख संध्या 5:00 भितर नाम लेखाइबे एथिरे मध्य रविवार नाम लेखा हेब। 28 तारिख अपराह 2:00 स्पॉट नाम लेखापाई मेधा तालिका प्रकाश पाइब। 28 तारिख अपराह 2:00 अक्टोबर 1 संध्या भितर स्पॉट नाम लेखा हेब। सूचना योग्य युक्त 3 नाम लेखापाई अगस्ट 11 आवेदन प्रक्रिया आरंभ होता। परवर्ती अपडेट रोचे कैशबैक SBI कार्ड रो शुभारंभ। देशर प्रमुख POR प्ले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता SBI कार्ड पक्षर निकटने कैशबैक SBI कार्ड रो शुभारंभ संपर्क घोषणा करा जाइछि। कैशबैक SBI कार्ड हेउछि उद्योगर प्रथम कैशबैक उपरे ध्यान आकर्षण करुथबा क्रेडिट कार्ड जहाँ सहायतार कार्डधारी माने सेमानकर समस्त प्रकारर ऑनलाइन खर्चरे 5% कैशबैक सुविधा पाइपारे एथिरे कौनसी प्रकार वाणिज्यिक प्रतिबंधक रहिबो नै बोली सूचना रहिछि। या समस्त वर्गर ग्राहकंकु ध्यानरे रखि प्रस्तुत करा जाइथिबा सूचना रहिछि। तो जहाँकि आजिकार टॉप न्यूज आसला ता सहित जो माने निज मोबाइल मध्यम पैसा रोजगार करने चाहती तो समस्त बहुत बड़े आप्लिकेसन रही 5paisa आप्लिकेसन जो प्रति रेफर 200 टाँचा मिल आपत रेफर करेंगे से 200 टाँचा कमे पारे जहाँ को बैंक को ट्रांसफर करें। भिडियो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी डाउनलोड करके पैसा कमातु। थैंक यू फर व्वाचिंग दिस् भिड। जय जगन्नाथ।